आप सब लोग वेलकम टू माय चैनल एमपी डिलाइट। तो आज हम बहुत ही यम्मी टेस्टी और चटाकेदार बनाने वाले हैं सूखा मटर। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, कोई भी इसे देखकर आसानी से इसे घर में बना सकता है। मेरी इस रेसिपी को आप देखकर फॉलो करोगे तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल सूखा मटन बन करके रेडी हो जाएगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। देखिए, देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और अब इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिरी, 2 टुकड़े दालचीनी के और 5 से 6 इसमें डाल देंगे लौंग। और अब हम इसे आधे मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे ऑयल में। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 2 प्याज, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 बड़ी साइज की प्याज मैंने ली है और अब इस प्याज को हमें ब्राउन होने तक अच्छी तरह से इस ऑयल में फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो बकरे का मटन धो करके रख लिया है पानी निकलने के लिए और इसके अंदर जो चर्बी के पीसेस थे वो मैंने इस प्याज के साथ मिक्स कर लिए हैं ताकि ये अपना एक नेचुरल फैट जो है वो इससे निकल जाता है और हमारे जो ग्रेवी को बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो उसे भी मैं प्याज के साथ फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया था और अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इस मोमेंट में मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसे भी 1 मिनट तक अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब जो मटन मैंने धो कर के रखा था उसे हम इस प्याज के साथ भूनेंगे करीब 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने नारियल को रोस्ट करके इसकी एक पेस्ट बना ली है तो मैं 2 चम्मच भरकर इसमें ये नारियल का पेस्ट डालने वाली हूँ जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून नारियल का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है और अब इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से मटन के साथ भून लेंगे। दोस्तों याद रहे, आप जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करोगे उतना ही टेस्टी मसाला इसका बनेगा। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है, 2 छोटे चम्मच हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी चिली पाउडर इसमें डाल दी है, 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर। पर अब इन मसालों को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे इस मटन के साथ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे भून लिया है। अब 1 से 1.5 कप पानी का हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है ताकि हमारा मटन अच्छी तरह से गल जाए। दोस्तों यहाँ पे हम सूखा मटन बना रहे हैं इसलिए बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो इसकी ग्रेवी बन जाएगी। अगर आप ग्रेवी चाहते हो तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हो और अगर आप आलू खाना पसंद करते हो तो उसे भी काट कर आप इस मोमेंट पर डाल सकते हो। तो अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करके इसके अराउंड 5 से 6 सीटियां ले लूँगी ताकि हमारा मटन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे अराउंड 6 सीटियां मैंने ले ली थी और आप देख सकते हो हमारा सूखा मटन बहुत ही अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छी तरी इसके ऊपर आ गई है।
तो एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मोमेंट पे हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर। दोस्तों गरम मसाला पाउडर हमेशा आखिर में ही डालिए ताकि इसकी खुशबू बनी रहती है। और अब मैं कुछ हरा धनिया काट कर इस पर डाल रही हूँ। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे ढक्कन रख कर पका लेना है। दोस्तों यकीन मानिए मेरा पूरा घर खुशबू से महक रहा है। फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हो ये सूखा मटन देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। तो ये देखिए मैं एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसे सर्व कर लिया है, तो आप इसे खाइएगा नींबू डालकर और प्याज के साथ इसकी मजा लीजिएगा। तो आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ, तंदूरी के साथ, पाव के साथ, ब्रेड के साथ, नान के साथ या चावल की रोटी के साथ। आप जैसे चाहिए इसका मज़ा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की मेरी सूखा मटन की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं ऐसी और मज़ेदार रेसिपीज लेकर आपके शेयर करती रहूँ। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों ऐसी एक बढ़िया सी रेसिपी में अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।